नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब की बार सॉलिड सरकार। पूरे देश में इस बात पर एक आम राय बन रही है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बनने वाली सरकार एक मजबूत सरकार जरूर होगी। जिस तरह के जनादेश के साथ वो आ रहे हैं, जिस पर गठबंधन धर्म निभाने की कोई मजबूरी कम से कम कहीं से नहीं होगी। लंबे अरसे के बाद ऐसा एक राजनीतिक संयोग बना है कि केंद्र में आने वाली पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। चुनाव से पहले बीजेपी का नारा था, अब की बार मोदी सरकार। चुनाव के बाद बीजेपी का मंत्र है, अब की बार मजबूत सरकार। न गठबंधन की गांठें, न मजबूरी की मित्रता, न राजनीति के दोस्तों का दबाव, न दुश्मनों की परवाह। कुछ ऐसा जनादेश मिला है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनने वाली सरकार दमदार होगी। सबसे बड़ी बात ये कि संघ ने सरकार में दखल की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। संघ ने साफ कर दिया है कि मोदी अपनी टीम चुनने और सत्ता चलाने के लिए स्वतंत्र है। अब हम वापस हमारे जो संगठन का मूल काम है, चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, देश सेवा का, उस काम में हम वापस जाने वाले हैं। और दैनंदिन राजनीति, सरकार बनाना, उनकी एजेंडा, मंत्रिपरिषद, उसमें संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। यानी विपक्ष जिस रिमोट को आरएसएस के पास देख रहा था, वो अब मोदी जी के पास ही रहेगा। वैसे भी गुजरात में 12 साल की सत्ता के दौरान रिमोट उनके पास ही रहा। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी की नई सरकार में किसे क्या मिलेगा, वरिष्ठ नेताओं की भूमिका क्या होगी, मोदी की चौकड़ी क्या करेगी। बीजेपी में नई सरकार के गठन की गहमागहमी तेज हो गई है। पार्टी में मुलाकातों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सुबह अरुण जेटली और अमित शाह भावी प्रधानमंत्री से मिले, सुषमा स्वराज नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची, कल्याण सिंह भी मोदी से मिल चुके हैं। एक दिन पहले भी नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के अलावा कई नेताओं से मुलाकात की। इधर राजनाथ सिंह के घर पर भी मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है। उमा भारती, अरुण जेटली, वाइको और नजमा हेप्तुल्ला ने उनसे मुलाकात की है। बैठक और मुलाकातों का तीसरा केंद्र संघ का दफ्तर है। नरेंद्र मोदी की भावी सरकार की सबसे बड़ी ताकत इसकी संख्या है। इस वक्त बीजेपी अपने आप में पूर्ण है। ऐसे में दबाव की राजनीति की संभावना तो है नहीं। मंत्रालय को लेकर मतभेद और मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी में सर्वशक्तिमान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाली पार्टी बड़े मकसद के लिए छोटी छोटी ख्वाहिशों को कुर्बान करेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो क्या बीजेपी की नई सरकार अगले 5 वर्षों में मजबूत सरकार चलाकर देश को मजबूती देगी? आज तक ब्यूरो। तो अब की बार सॉलिड सरकार, क्या उम्मीदें इससे पूरी हो पाएंगी? गठबंधन धर्म का रोना बहुत सुना है इस देश ने। क्या इस बार बदलाव की परिस्थितियां पैदा होंगी या एक व्यक्ति सबसे बड़ा होकर कहीं इधर उधर ना भटक जाए? तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा इस वक्त होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्रिमंडल, उसकी फाइनलाइजिंग लिस्ट बनना, तमाम चीजें हो रही हैं। किसके कहने पर कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे आपका परिचय पहले करा दें। जय नारायण व्यास जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। हमारे साथ हितेश शंकर जी जो कि एडिटर है पंचजन्य के, यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह साहब भी सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले सिद्धार्थनाथ सिंह साहब, आप ही के पास आते हुए, अब की बार सॉलिड सरकार। निर्णायक सरकार, मजबूत सरकार, ये मंत्र बहुत पुराना है मगर आज सिद्ध हो रहा है। और इसलिए हम लोग को खुशी और देश को भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की गठबंधन की सरकार एक मजबूत और निर्णायक रहेगी, क्योंकि एक मजबूत नेता देश को मिला है नरेंद्र मोदी जी के उसमें। हितेश जी, क्या ये सच है कि संघ ने पूरी तरह से आजादी दे दी और कहा है कि आप अपना मंत्रिमंडल खुद चुनिए? मुझे लगता है कि ये कहना संघ ने पूरी तरह से आज़ादी दे दी है, ये स्टार्टिंग कमेंट ही गलत है। संघ की बंधक सरकार ऐसा कोई भाव शुरू से ही नहीं रहा। ये पीछे तो अप्रूव करवानी पड़ती थी ना पहले, ऐसा निश्चित ही नहीं है। इनको वहां दे रहे हैं, इनको ये यहां दे रहे हैं, एक, अप्रूव एक, कर दीजिए। एक मीडिया की एक में बड़ी मजेदार बात है कि दो बीट ऐसी हैं, एक संघ और एक सीबीआई, कुछ भी कवर करो खंडन नहीं आता है। इसीलिए एक खबर चलती थी कि लिस्ट अप्रूव करवानी पड़ती है, ऐसा कुछ था नहीं। और ये सब चीजें तय हैं। ये नहीं तय किया था संघ ने कि नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो, ये भाजपा ने तय किया था। अच्छा, संघ की तरफ से कुछ नहीं कहा गया? संघ ने निश्चित ही अपनी राय से अवगत कराया था। मध्यांचल में परेशान घूम रहे थे कि कैसे दोनों के बीच में समन्वय पैदा करें, वो सब गलत है।
बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई केशव कुंज में, मैं वहाँ भी मौजूद था। मध्यांचल में जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ मैं वहाँ भी था, और संघ ने लोगों की राय से बीजेपी को अवगत कराने का ही काम किया था। और ये संघ का स्वर समाज के स्वर से जरा भी अलग नहीं होता, समाज में ऐसी राय थी, संघ ने यही बताने का काम किया था। जय नारायण व्यास जी, गुजरात का उदाहरण है, क्या हम माने कि उसी उदाहरण को आगे ले जाते हुए नरेंद्र मोदी ही सर्वोच्च नेता होंगे, सारे फैसले लेंगे और इसी वजह से निर्णायक फैसले जरूर सामने आएंगे? देखिए, जिस तरह से क्रिकेट की कोई भी टीम ले लीजिए आप, कैप्टन की एक भूमिका होती है। अब चूंकि कैप्टन तय करता है किसको बॉलिंग, किसको बैटिंग, किसको फील्डिंग में कहां रखना है, ये सब चीजें, इसलिए आप ये कहो कि कैप्टन सबसे बड़े आदमी है, तो मैं मानता हूं कि ये भी अर्धसत्य ही है। हाँ, ही इज मोर इक्वल अमंगस्ट इक्वल्स, ये बात सही है। और इनके नेतृत्व में, चूंकि इनके नाम से सरकार जानी जाएगी और ये प्रधानमंत्री हैं, तो जो परिणाम देने की भी जिम्मेवारी उनके सिरे पे रहेगी, तो एक तरह से उनकी जो बातें हैं वो अहमियत रखेगी और वो निर्देश जरूर दे सकते हैं। और वो निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री के साथ जो उनके साथी जुड़ते हैं वो अपने अपने मंत्रालय में अपनी तरह से काम करेंगे। सिद्धार्थ जी, अच्छा हुआ कि इन्होंने मैच का जिक्र कर दिया, इसीलिए मेरा अगला सवाल कि वहाँ मैच में हर बात पर बस सचिन सचिन होता रहता है, यहाँ कामकाज में भी बस नमो नमो? ऐसा है, नमो नमो एक, मैं ये कह सकता हूँ, एक आइकॉन है जिसका नाम, जिसको कहा जाता है सुशासन और विकास। इसलिए हर मंत्रालय में नमो नमो जब किया जाएगा तो नमो नमो का मतलब है कि सुशासन और अच्छा विकास मंत्रालय में, भ्रष्टाचार नहीं, और जितने भी मंत्री हैं या उनके नीचे हैं सब मेहनत से काम करेंगे, क्योंकि नमो नमो का मतलब है सुशासन और विकास। वो नरेंद्र मोदी जी अपने उदाहरण से सबको प्रेरित करेंगे। मगर जो अभी बात हो रही थी, प्रधानमंत्री तो एक है, उसके नीचे टीम नहीं अच्छी होगी तो आप कैसे डिलीवरी करेंगे? और देश की जनता ने जो मतदान दिया है अंजना जी, वो एक ही चीज, दो चीज पे दिया है, डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, और उसको पूरा करने के लिए तो पूरी टीम की आवश्यकता है। हर जगह तो एक व्यक्ति नहीं जा सकता, मगर उसका उदाहरण हर जगह जा सकता है, जिसको आप नमो नमो कह लें। बहुत सारी असमंजस की परिस्थितियां भी है सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नंबर एक, जो ऐसे नेता हैं पार्टी के जो बुजुर्ग हैं, जो बहुत कद्दावर हैं, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, इन सब की भूमिका क्या होगी, कैसे सेट होगी, कौन तय करेगा? कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने तो अब कोई राय मशवरा तक देने को तैयार नहीं है, बस उधर से वाणी आए और वही फैसला बन जाए, इसका इंतजार है। मैं तो इसको बड़ा अचंबा मान रहा हूं जो आप कह रही हैं। अभी आज से 5 दिन पहले जब लोग सब जा रहे थे गांधीनगर मिलने, इधर जा रहे थे, तो कहा जा रहा था कि लोग, बहुत लोग डिस्कशन करने मोदी जी से जा रहे हैं। आज डिस्कशन का एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बिना मिले बिना बात किए निर्णय कोई हो जाए तो वो तो डिक्टेटरशिप होगी। जहां तक की सवाल है अडवाणी जी, जोशी जी, उसके बारे में तो कहा गया, ऑलरेडी कह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सके हैं कि उन लोगों का जो निर्णय, उन लोगों को क्या रोल है, क्या करना है पार्टी के अंदर, उनसे पूछ के किया जाएगा, कोई अलग से निर्णय नहीं किया जाएगा। मुझे नहीं दिखता कि इसके अंदर कोई कॉन्ट्रोवर्सी ढूंढनी चाहिए। एक अच्छी सरकार देश को मिलने वाली है, एक स्ट्रांग लीडरशिप मिलने वाली है, देश का अच्छे दिन आ गए हैं, उसको हमें प्राप्त भी करना है काम करके। मुझे लगता है कि इस दिशा से हम लोग देखें बिना कंट्रोवर्सी के तो अच्छा रहेगा। हितेश जी, ये जो भूमिका तय होनी है लाल कृष्ण आडवाणी जी की, मुरली मनोहर जोशी की, ये कौन तय करेगा, अंतिम फैसला किसका होगा? ये भाजपा का फैसला है, ये सरकार का फैसला है, ये पूरी तरह से उन्हीं लोगों को तय करना है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि संघ के बारे में जो बात कही जाती है कि संघ पर्दे के पीछे से तय कर रहा है या संघ के बारे में ऐसी चीजें पत्रकारों को पता हैं, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ऐसी कोई बातें नहीं थी। अभी जैसे एक खबर लगातार चल रही थी कि संघ ने सर्वेक्षण कराया और सर्वेक्षण के द्वारा संघ को पता था कि बहुमत नहीं मिलने जा रहा, ये खबर किसने चलाई थी? अब खबर चलाई जा रही है कि एक सूची है और सूची में कुछ तय नाम है,
वो नाम अप्रूवल कौन देगा, तो दोनों ही बातें गलत हैं, ना सर्वे था ना सूची है, ये भाजपा के फैसले होने वाले हैं और पूरी तरह से उन्हीं लोगों को निर्णय करना है। इसके साथ ही और भी कई सारे पहलू हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। जय नारायण व्यास जी, एक ब्लॉग भी वैद्य साहब की तरफ से आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए वो तमाम वायदे पूरे करे। जय नारायण व्यास जी, ये जो अच्छे दिनों का एक संपूर्ण वादा किया है आप लोगों ने, उसको संपूर्ण रूप में जनता के हाथ में देने में एक बहुत लंबा फासला होगा, बहुत काम उसके पीछे जाएगा। कैसे होगा, जादू की छड़ी कहां से आएगी? सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही आप लोगों को लग रहा है सब कुछ चमक जाएगा या वाकई टीम वर्क देखने को मिलेगा? देखिए, मैं मानता हूं कि जो परिस्थितियां हमें विरासत में मिली है वो परिस्थितियां अपने आप में काफी दुष्कर और मुश्किल परिस्थितियां हैं। इसमें से मार्ग निकाल के वचन पूर्ति करनी होगी और इसके लिए मैं समझता हूं चार पादान तय करने होंगे। पहला पादान है संपर्क, एक दूसरे से टीम के सभ्य और बाकी साथियों से संपर्क रखना होगा। संपर्क के साथ संवाद और संवाद की वजह से समझ और समझ के बाद संगठन यानी कि टीम वर्क, ये चार पादानों से गुजरते हुए ये मुद्दे मैं मानता हूं एनडीए के हमारे साथी सदस्यों के साथ भी और हमारे अंदरूनी भी जो हमारे टीम के सदस्य हैं। व्यास साहब, यही समझ और संवाद ये सब गुजरात में कितना होता था, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं नरेंद्र जी की कैबिनेट का सदस्य रह चुका हूं, इनकी जो काम करने की पद्धति है उसमें वो बाहरी जो इनकी पॉलिसी गाइडलाइंस है वो कोई भी चीफ मिनिस्टर को तय करने का अधिकार है, क्योंकि पॉलिसी गाइडलाइंस या तो कैबिनेट तय करती है या मुख्यमंत्री तय करते हैं। उसके अंदर में जो बातें हैं कि ये अपना गोल सेट किया, जैसे मुझे गोल दिया गया था कि ये इतनी मेडिकल की सीटें बढ़ानी है, ये 108 को इस तरह से काम करती करना है, प्राथमिक आरोग्य की सुविधा को इस गोल पर ले जाना है, तो उसके अंतर्गत जो काम है वो मंत्री अपने आप करता है, अपने आप करने के लिए स्वतंत्र रहता है और खुद के दृष्टि के मुताबिक आगे बढ़ता है। ठीक है, बहुत संवाद चर्चा वो तय कर देते थे, मंजिल वो तय कर देते थे, फिर कदम आप लोगों को बढ़ाना होता था। चलिए, यहीं से इस पूरी बहस को आगे लिए चलेंगे। अब की बार सॉलिड सरकार, आप देखते रहिए आज तक। अब की बार सॉलिड सरकार, कई सारे गंभीर सवाल भी पूछे जाएंगे और इसी कड़ी में आप समझ सकते हैं संघ की तरफ से विचारक एमजी वैद ने अपने ब्लॉग में कुछ सवाल पूछे हैं और ये कहा है कि संघ में उठा है एक तरह से राम मंदिर और धारा 370 का मुद्दा, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब जबकि बहुमत की आपकी बनी है सरकार, तो क्या इन मुद्दों पर जो वायदे आपने इतने वर्षों से किए हैं, क्या वो वायदे पूरे होंगे? साहिल जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे मुंबई से खबर पर जुड़ रहे हैं। साहिल, कितनी संजीदगी से ये सवाल उठाए गए हैं और क्या माने कि आने वाले वक्त में अब दबाव और भी संघ की तरफ से इन मुद्दों पर बन सकता है? देखिए, बड़ी होशियारी से ये सवाल उठाया गया है, कहीं भी सीधा उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये बातें होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये इच्छा जरूर जताई है कि जो सहयोगी पार्टियों की वजह से 1999 में जो सरकार बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, वो ये वादे पूरे नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनका कहना है कि तब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों का बाद में समर्थन उनको लेना पड़ा था सरकार बनाने में। लेकिन इस बार एमजी वैद्य का कहना है कि खुद बीजेपी को 282 तक सीटें मिली है, जो 12 से ज्यादा 284 तक सीटें मिली है, जो 12 से करीब ज्यादा सीटें हैं 272 के आंकड़े से, और उसके साथ में जिन पार्टियों के साथ उनका प्री पोल अलायंस हुआ था यानी चुनाव के पहले गठबंधन हुआ था, उनको ये पता है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में, उनके घोषणा पत्र में राम मंदिर और आर्टिकल 370 का मुद्दा है। तो अगर कानून और घटना को कोई भी धक्का ना पहुंचाते हुए अगर ये बातें होती है तो इन पार्टियों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात साफ कर रहे हैं एमजी वैद्य। यानी साफ कह रहे हैं कि इस बार अगर आर्टिकल 370 और राम मंदिर बनाने के मुद्दे पर सरकार कोई निर्णय लेती है, केंद्र सरकार, तो उसमें रामविलास पासवान या तेलुगु देशम जैसी पार्टियों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो मुद्दे आराम से बनाए जा सकते हैं और उस पर संघ की क्या भूमिका है, ये एक तरीके से एमजी वैद्य ने साफ। बिल्कुल।